करने लगी तो नहीं। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपके अपने चैनल इफ फॉरएवर ब्लॉगर में। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल से। तो आज मैं चला हूँ आरे कॉलोनी में। आप लोगों को पता ही होगा ये फिल्म सिटी के पास है गोरेगांव में आरे कॉलोनी, और यहाँ पे है पाम रिजॉर्ट्स यानी कि रॉयल पाम्स का है और काफ़ी बड़ा एरिया है। तो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये एरिया कैसा है। वैसे दोस्तों आरे कॉलोनी जो है 20,000 एकड़ में फैला हुआ है। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है गाइस, काफ़ी ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी ज़ोर से गिरा है ये, रोल होते होते गिरा था यहाँ पे। बट उस टाइम पे मेरा कैमरा ऑफ था तो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया नहीं। बंदा ऐसे गुस्से में लग रहा है, मतलब पिया हुआ है ये भी। और यहाँ पे भी कैसा, अभी आरे कॉलोनी में जो है रोड भी मेंटेनेंस में है तो काफ़ी जगह पे खड्डे वगैरह है, तो ये लोग अभी फिलअप कर ही रहे। आप लोगों को शायद पता होगा यहाँ पे एक फेमस तालाब भी है जिसको हम लोग छोटा कश्मीर भी बोलते हैं। कपल्स लोग तो यहाँ पे काफ़ी आते रहते हैं जो नियर अबाउ के, बट ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुंबई में रह के भी उनको पता नहीं होगा कि यहाँ पे जो रॉयल पाम का है ना बहुत बड़ा रिजॉर्ट है और व्यूज़ इतने अच्छे हैं यहाँ पे कि आप लोग मतलब लगता ही नहीं कि ये मुंबई के अंदर है जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह है। ये यहाँ से एक्चुअली चालू हो जाता है रेसिडेंशियल एरिया और अंदर ही पाम कोर्ट का बहुत बड़ा रिजॉर्ट भी है। स्पेशली कपल लोगों के लिए तो ये बेस्ट हॉलीडे स्पॉट बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ओयो का बहुत बड़ा चौक भी बना हुआ है, तो यहाँ पे ओयो वगैरह के लिए भी बहुत चीज़ें हैं, तो आपको आगे दिख ही जाएगा वीडियो में। और इस एरिया का बेस्ट पार्ट ये है ना कि ये मुंबई के अंदर होते हुए भी यहाँ पे ट्रैफिक ना के बराबर है, तो आप मतलब दिन में, इवनिंग में, मॉर्निंग में जब चाहे यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे रिजॉर्ट्स है, होटल्स है और व्यूज़ वगैरह अच्छे हैं, घूमने वगैरह के लिए भी अच्छे हैं। फैमिली के साथ आ सकते हो आप लोग या फिर फ्रेंड सर्कल में भी आके यहाँ पे पिकनिक वगैरह बना सकते हो। देखिए सामने है ओयो चौक, तो ये ओयो का इसके लिए बना हुआ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स है। मस्त ये जो झाड़ वगैरह है ना मस्त रेड। अरे मैं साइड रॉन्ग साइड में जा रहा हूँ, रिटर्न लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि यहाँ पे ऊपर के साइड में जो है वो रिजॉर्ट है, तो वहाँ पे आज हम नहीं जा रहे, हम लोग थोड़ा सा नीचे के साइड में जा रहे हैं जहाँ पे बंगलोज वगैरह है, तो मैं आपको आज क्लियरली वो सब दिखाऊंगा। थोड़ा सा हिल टाइप है, ये हिल व्यू भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। मेन हाईवे से है ना सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर अंदर है ये, और वहाँ से फिर ये पूरा ग्रीनरी और ये रेसिडेंशियल एरिया चालू हो जाता है। यहाँ पे एक्चुअली कैसा है ना, हॉस्टल्स वगैरह भी बने हुए हैं और फिल्म सिटी का जो बैक गेट है ना वो भी यहीं से ही है। बट यहाँ से अलाउड नहीं है लोगों को जाना। यहाँ पे फिल्म इंस्टीट्यूट वगैरह है, एक्टिंग क्लासेस वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। अब जैसे कि ये बाइक पे कपल दिख रहे हैं, ये भी ओयो के लिए ही है आई थिंक सो। लेकिन गैस अगर आप लोग यहाँ पे बाइक से आते हो ना तो प्लीज़ आप लोगों का ब्रेक वगैरह अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब की ये रोड बने हुए हैं ना, अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो ना तो गाड़ी स्केट होती है। तो जैसे छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मुंबई के अंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनाली या मसूरी में आया हुआ हूँ, या फिर आप पौंडीचेरी ये साइड में जाते हो ना वाईजेक वगैरह वहाँ पर कैसे बने हुए, वैसे छोटे छोटे कॉटेजेस हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लगता है यार यहाँ पर। ये लोगों के ऑफिसेज वगैरह है और ये जो है एक्चुअली रेंट पे मिलता है, शूटिंग वगैरह के लिए भी लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं और शूट के लिए भी रेंट पे लेते हैं। ये देखिए ऊपर जो दिख रहा है, एक मिनट आपको मैं फिर से दिखाता हूँ क्लियरली। ये जो दिख रहा है ना ये पूरा का पूरा रिजॉर्ट्स एरिया है, यहाँ पे आप होटल की तरह मतलब रूम वगैरह बुक कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं। वैसे भी अभी समर सीज़न चालू है, तो अगर जिन लोगों को छुट्टियाँ वगैरह नहीं मिल पाती है जो मुंबई के बाहर जाना चाहते हो, तो वो लोग यहाँ पे आके बुक करके आराम से रह सकते हैं। माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ का, ठंडा ठंडा माहौल है, मुंबई के अंदर होते हुए ठंडा माहौल है तो आप सोचिए कितना अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए मेरी परछाई, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। वैसे कैसे अगर अभी आप लोग
वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो तब जाके मेरे चैनल को रीच मिलती है। और मैं बहुत खुद को लकी समझता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए और अपना इतना कीमती समय मेरे वीडियो को दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह भी है, तो ये रिक्शे से दो लड़की आई हुई है, हॉस्टल के लिए शायद जा रहे हैं ये लोग। बट आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो गाइस, घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है यार। क्योंकि मुंबई में रहते हुए भी है ना, बहुत से लोगों को इन सब जगहों के बारे में पता नहीं होती है। वो नॉर्मली चौपाटी वगैरह में जाते हैं, ऐसे हिल व्यूज़ वगैरह में आते नहीं है। और यहाँ पे आने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा खर्चा या टोल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये मुंबई के अंदर ही है और गोरेगांव में है गाइस, यानी कि मुंबई के सेंटर में ही ये देखा जाए तो। यहाँ पे आने आपके लिए, अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं है ना, तो भी आप इजीली आ सकते हो। गोरेगांव स्टेशन पे उतर के आप लोग ऑटो वगैरह करके भी डायरेक्ट आ सकते हो। रॉयल पाम कोर्ट बोलेंगे तो कोई भी ऑटो वाला यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देगा। और मीटर से ही आना है, आप लोगों को ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देना है। तो काफ़ी अच्छी जगह है गाइस, तो आप लोग जब चाहे यहाँ पे आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो विथ योर लव्ड वंस। और गैस यहाँ पे कैसा है ना, कि अगर आप लोग दो चार दिन के लिए भी आते हो होटल वगैरह पे रहने के लिए, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है कि आपको सामान नहीं मिलेगा या कहीं दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छे खासे सुपरमार्केट वगैरह बना है। ये जो ओयो चौक है, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड में बंगलोज है और ये राइट साइड में देखिए यहाँ पे शॉपिंग विलेज बना हुआ है, सुपर मार्केट है। तो आपको जो चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस में है आपके रिजॉर्ट से, या फिर आप होटल में जो मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे अगर आपको होटल का खाना पसंद नहीं आ रहा है जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, तो आप यहाँ पे इजीली स्विगी जोमेटो वगैरह भी कर सकते हो, तो आपको ऐसा कुछ इशू आएगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है तो सारे सर्विसेज है ना यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ऑलरेडी। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे, लेफ्ट साइड में कैसे जो बिल्डिंग वगैरह बने हुए हैं ना, ये एक्चुअली रेसिडेंशियल एरिया है। तो आप लोगों को यहाँ पे किसी चीज़ का इशू नहीं आता है, कि ऐसा नहीं है कि आप लोग जंगल साइड में रहने चले गए तो कुछ इशू आ जाएगा। और मुझे लगा वो लड़की वहाँ पे खड़ी रह के दीवार पे सुसू कर रही है, बट वैसा नहीं था, शी वॉज वेटिंग फॉर समवन। तो यहाँ से जैसे अपन बाहर निकलते ना, फिर से आर्य कॉलोनी का ये पवई वाला रोड चालू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पे मतलब विलेजेस वगैरह भी है आर्य कॉलोनी के अंदर। यार 20,000 एकड़ में फैला हुआ जगह है ये, तो यहाँ पे काफ़ी कपल्स वगैरह भी आते रहते, जैसे आप लोग ये भी देख ही रहे। तो आप लोग भी अगर यहाँ पे आना चाहते हो तो इजी स्पॉट है, मुंबई के अंदर ही है, जब चाहिए आ सकते हैं। ये रॉयल पाम का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो गाइस वीडियो आज का हम लोग का यहीं तक ही था, तो आप लोग यहां तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आप लोग का एक लाइक मेरे लिए बहुत कुछ बनता है, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिए, कहीं कुछ गलती हो गई होगी तो वो भी बता दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, एक बार फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइज़।